वैसे तो मैं चाहूंगी कि आपकी ट्रेन लेट ना हो, बिल्कुल टाइम पे आए, लेकिन अगर बाय चांस अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो इट डजंट मीन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट 24 आवर ओपन है। आज फूड मेरी दिल्ली आई हुई है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास श्री अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट में, और इनके पास जो थाली के प्राइसेस है वो 120 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, तो उनकी जो स्पेशल थाली है डायमंड थाली वो 250 रुपीज तक जाती है। तो चलिए इनकी 250 रुपीज वाली डायमंड थाली की मेकिंग देखते हैं, इनकी डायमंड थाली को टेस्ट करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारी 250 वाली थाली की मेकिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप ये बताइए सर कि क्या क्या डाल रहे हो आप इसमें? ये बिरयानी बनता है पहले, और पनीर बटर मसाला बनेगा, और मटर पनीर, दाल मखनी। ये क्या बना रहे सर? ये बना रहे बिरयानी। ये डाल दिए जी शिमला मिर्ची, प्याज कटी हुई खड़ी खड़ी, मटर डाल दिए, टमाटर डाल दिए, ये पनीर डाल दिए, और साबुत मिर्ची डाल दिया। चीज यहाँ ताजी बनाया जाता है, हैंड टू हैंड। तो इसमें डाल दी हल्दी, मिर्ची, नमक, अजीना मोटो, इसमें डाल दिया चावल जी, इसमें हल्का कलर, हल्का इसमें केवरा जल, गरम मसाला हल्का, धनिया हरा, हो गया जी बिरयानी रेडी। देखिए हमारी 250 वाली थाली की पहली आइटम यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जो कि रहती है वेज बिरयानी, और अब वो जा रही है थाली में, जो कि देखिए थाली की पहली आइटम यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पे इन्होंने रायता और सलाद भी लगा दिया है। तो ये देखिए ऑयल, वेल, हल्का जीरा, पनीर बटर मसाला, और इसमें आप डाल दिए अनियन, लहसुन का पेस्ट हल्का, तो ये देखिए अब पनीर काटा जा रहा है, पनीर कट हो गया और अब डाल दिया है पैन में, डाल दिए कसूरी मेथी, ये डाल दिए ग्रेवी, ये देखिए पनीर मसाला की आ चुकी है ग्रेवी, और कितना बड़े तरीके से यहाँ पे उबाल आ चुका है ग्रेवी में। अजीना मोटो हल्का, हल्का गरम मसाला, हरा धनिया, तो पनीर का हिस्सा हल्का। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है पनीर की बारिश, हल्का क्रीम। तो ये देखिए हमारी थाली की जो दूसरी आइटम है वो अब डाल रखी जा रही है थाली में, जो कि रहती है पनीर बटर मसाला, वो रख दिया है देखिए आप मटर पनीर में। तो अब देखिए मटर पनीर में रखने वाला है तड़का, तो यहाँ पे डाल दिया है मटर पनीर, क्रीम, हरा धनिया, रोगन मारेंगे। तो मटर पनीर भी यहाँ पे तैयार हो चुका है और अब ये जाएगा थाली में। ये देखिए आपकी मटर पनीर भी लग गया है थाली में, अरे वाह। तो अभी दाल मखनी बनने के लिए जा रही, क्या डाल रही है? प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन का पेस्ट। अभी आ चुकी है दाल मखनी की ग्रेवी और अभी डाली जा रही है पैन में, अरे। तो दाल मखनी में कितना बढ़िया उबाल आ चुका है, उसमें डाली जा रही है अमूल की फ्रेश क्रीम, मटर दाल मखनी में, हल्का रोगन, रेडी है। ये देखिए हमारी जो 250 वाली थाली की दाल मखनी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अभी डाली जा रही है 250 वाली थाली में, अरे वाह। तो ये देखिए अब यहाँ पे हो चुकी है पनीर की तूफानी वाली बरसात, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं है और कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे डाल दिया है पनीर, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है थाली, और अब इसमें डाली जा रही है अमूल की फ्रेश क्रीम। जैसे आप सफ़र करके आ रहे हो तो आप थोड़ा लाइट भी खाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तवा रोटी और तंदूरी रोटी दोनों का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सी भी रोटी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए आप ये किस तरीके से यहाँ पे तवे पे डाल के यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही हैं, और ये साइड में सेक के यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि हम अपने घर पे बनाते हैं वैसे। यहाँ पे तंदूरी रोटी भी है तंदूर के अंदर, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, इनकी पतली पतली रोटियाँ रहती है, मोटी वाली नहीं है तंदूर की रोटियाँ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। और ये देखिए गर्मा गर्म यहाँ पे तंदूर से निकाली जा रही है तंदूरी रोटियाँ। तो फाइनली अब हमारी थाली में लगाया जा रहा है लच्छा पराठा,
तो ये देखिए अब हमारी 250 वाली इनकी जो डायमंड थाली है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे मैं टेस्ट करेंगे और मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फाइनली श्री अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट में मेरे पास इनकी डायमंड थाली लग चुकी है। वैसे तो इनकी थाली का प्राइस स्टार्ट होता है 120 रुपीज़ से, लेकिन मैंने यहाँ पे इनकी जो सबसे स्पेशल है 250 रुपीज़ वाली डायमंड थाली यहाँ पे लगवाई है। थाली है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आइटम्स इन्होंने इसमें भर भर के दिए हैं। लाइक 250 रुपीज़ में आई थिंक कि 2% तो आराम से इस थाली को शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा सैलड, यहाँ पे आपको मिलेगा बूंदी वाला रायता, जीरे वाला, जीरे का तड़का लगा हुआ है इसमें, और ये देखिए आपको दो लच्छा पराठा मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगा एक पापड़, और आपको यहाँ पे मिलेगी वेज बिरयानी या फिर आप वेज पुलाव भी इसको आप बोल सकते हो। इसमें आपको मिलेगा पनीर बटर मसाला, और देखने से ही देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और पनीर कितना सॉफ्ट है ये देखिए, यहाँ क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, छूते ही टूट गया। बस आपको यहाँ पे मिलेगी दाल मखनी, तो जो दाल मखनी है वो भी कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। बेसिकली इनका जो फूड है वो क्वालिटी फूड है, जो दिखने से ही लग रहा है। और यहाँ पे आपको मिलेगा मटर पनीर, जो मटर पनीर है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको इस थाली में पनीर की दो डिशेस मिलेंगी, दो आइटम्स मिलेंगे आपको। तो बेसिकली लबालब थाली है, अगर आपको ताबड़तोड़ भूख है ना तो ये आपकी क्रेविंग को बिल्कुल सेटिस्फाई करने वाली है। तो चलिए इनका जो फूड है वो हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रही हूँ लच्छा पराठा और मैं टेस्ट करूँगी पनीर बटर मसाला के साथ। मुझे तो पनीर बटर मसाला खा के बिल्कुल मज़ा ही आ गया। जो उसका जो टेस्ट है ना, स्वाद है, वो वाकई में लाजवाब है। जब आप अगर ट्रैवल करके आ रहे हो और अगर आपको हाइजीनिक, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि जब आप कहीं से भी ट्रैवल करके आओ तो आपको हाइजीनिक फूड चाहिए होता है, तो इनका हाइजीनिक फूड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी फूड है, तो ये सबसे बड़ा प्लस। और इसमें जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, वो मतलब मीडियम स्पाइसी, इट्स नॉट डैट, मतलब हर कोई खा सकता है। तो मैं मटर पनीर के साथ मैं बिरयानी टेस्ट करती हूँ थोड़ी सी। तो मैंने दिल्ली के स्टेशन्स के आसपास काफ़ी फूड ट्राई किया है, बट आई हैव टू टेल यू, मैंने इतना टेस्टी मटर पनीर अभी तक नहीं खाया है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, स्पेशली जो स्पाइसी फूड लवर्स हैं उनको तो ये मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मुंह में जाते ही मतलब फ्लेवर का ब्लास्ट है, बिरयानी के साथ तो मतलब मज़ा ही आ गया। इसमें जो उन्होंने केवड़ा डाला है तो उसका फ्लेवर आ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं चाहूँगी कि आपकी ट्रेन लेट ना हो, बिल्कुल टाइम पर आए, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो इट डजेंट मीन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट 24 आवर ओपन है। विक्की गुप्ता, ये 12-13 साल हो गए मेन्यू में ओनली वेज खाना है मेरे पास। थाली में 120 से स्टार्ट है, 150 के, 200 के और 250 के। मटर पनीर है उसमें, दाल मखनी है, रायता है, मटर पुलाव है और बटर रोटी चार, सलाद, सब्जी लिमिटेड है, एक बार मिल सकती है कोई एक सब्जी। ब्रेकफास्ट डोसा मिलेगा, छोले भटूरे हैं, पूरी सब्जी है और पराठे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे यहाँ रेस्टोरेंट पर आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। एड्रेस हमारा है सराय कालेगाँव मेट्रो गेट नंबर 2 के अपोजिट, और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 50 मीटर पर है। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस है। टाइमिंग 24/7। हाँ हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर 9997192-8203। स्टेशन में पहुँचाते, बल्क ऑर्डर पहुँचाते हैं हम। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं आप इनकी डायमंड थाली को फिनिश करूँगी और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।